हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? होप करते हो आप सभी अपने घर में सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ की मॉनेस्ट्री में। तो हमारे यहाँ की मॉनेस्ट्री में हर साल 16 जुलाई को गुजर करके एक फंक्शन होता है, तो वो मनाया जाता है। और इसमें जिस जो 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 आना चाहते हैं वो आकर यहाँ पर दर्शन देते हैं, और जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं वो छम करते हैं और यहाँ पर हवन करते हैं। और बाकी ये जो स्पीति वैली में जितने भी भटकी हुई आत्मा है, मतलब नेगेटिविटी को दूर है हवन करके। और उसके बाद जो महिला मंडल के आंटी वगैरह होते हैं वो अपना स्पीति ट्रेडिशनल डांस वगैरह करते हैं, और जो बच्चे वगैरह होते हैं जिनकी इच्छा होती है डांस करने की वो डांस वगैरह करते हैं। और जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पर की मॉनेस्ट्री में, तो मैं आप सबके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कॉमेंट शेयर कर देना। और आप लोग वीडियो देखते हो बट लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बाकी मैं आप सबके साथ जो भी होगा ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहे व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर चाय लेने आई थी, तो यहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल क्या था कि मुझे भी अपने व्लॉग में दिखाओ। तो बाकी ये रहे अंकल, तो चलो चाय पीते हैं। चाय पी रहे प्रियांशी, हाय कर तो, नमसल हाय कर तो, अम्मा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो दोस्तों, इसका बर्थडे है आज, बर्थडे गर्ल शर्मा रही है। थैंक यू। पहले से क्या पता लगे मुझे ना, मैंने से क्यों पूछा बैठा गया। ठीक है, हाय गाइस, आज तो सॉन्ग आज सिंग आज कर आई है जोर से आई है मुझे। और अभी हम की गोपा में हैं, और की गोपा में आज मेला था, तो मैंने सोचा साथ में पेप्सी भी पी लूं। गाइस, नफसल को ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। नफसल ने भी करना है ब्लॉगिंग। इसको ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, ऐसे ही मैं फोन से चुपचाप ही मिला खाने का ऑन करके ब्लॉगिंग कर रही हूं। दादी गलती है तुमको, बाकी ये लोग आ गए तुम साथ लेके। प्रियांशी, प्रियांशी ने कोको कोला लिया है। तो प्रियांशी को बहुत पसंद है कोको कोला, और मुझे पसंद है पेप्सी। अच्छा, अंकु भाई वो देखो, अंकु भी आ गई। पाशी बाशी तो अंकु ने भी कोको कोला लिया है। प्रियांशी और अंकु दोनों को कोको कोला पसंद है, और मुझे अकेला पेप्सी। तो गाइस, पहले पेप्सी पिया होगा। तो गाइस, वो रहे लामा वगैरह, तो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर हवन होगा, तो मैं आप सबको आगे चल के दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं आप लोग जो परे दिख रहे हैं ना, परे यहाँ ये वगैरह है लामा वगैरह। अभी यहाँ मैं बैठी हूँ बहुत दूर, तो इसलिए मैं तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। जब मैं पहाड़ पर ही सामने जाऊँगी तब मैं आप सबको अच्छे से दिखाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर पता नहीं कुछ यूनिक सा है, 50 रुपये प्लेट है, तो चलो टेस्ट करते हैं। चाइनीज है ये। तो ये रहा इसमें अजीनोमोटो और चटनी टाइप, और ये सोया सॉस डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा खुशबू इसकी लाफिंग की तरह, मम्मी टेस्ट करके बताएंगे। सुरबा चिमनबा, मम्मी के लिए टेस्टी तो है, तो चलो मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, जो लाफिंग टाइप का कुछ दिखने का था ना, क्या बोलते हैं इसका नाम, मैं भूल गई। वो भी नानी खा रहे, तो उतनी भी मिर्ची नहीं है, मतलब कम ही है स्पाइसी। तो प्रियांशी को मिर्च लग गई। तो टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उतना भी खास नहीं है। दोस्तों, अभी यहाँ पर रिसेस हो गया है, तो सब लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये रहा स्टेज, और ये रहे जो लामा वगैरह बजाते हैं और जो पूजा का सामान है। दोस्तों, तो अभी यहाँ पर सब लोगों को ऐसा डिंजन कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, ये सत्तू का बना होता है। अम्मी सांबी छा दिन मापे सांबी, तो ये सत्तू का बना होता है। तो इससे मतलब इसको ऐसे करके, मतलब अपने जो पांचों हाथ का छाप होता है
और मैं आप सबको करके दिखाऊंगी। ऐसे पांचों हाथ का जो छाप होता है ऐसे करके पहले इनका छाप निकालना पड़ता है अपने हाथों का, और उसके बाद इसको जो पूरे मतलब सिर और जो हमारी ये हार्ट वगैरह होता है ना दिल साइज, यहाँ पर मतलब इसको मतलब ऐसे रोल नहीं करते, बाकी सारी जगह इसको ऐसे रोल करना पड़ता है। जो हमारी बीमारी वगैरह होते हैं साबुन की तरह लगाते हैं, साबुन की तरह लगाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि मलते हैं, ऐसे ऐसे ले जाते हैं इसको, तो नीचे साइड ले जाना पड़ता है ऐसे इसको, नीचे को जो हमारी बीमारियाँ वगैरह होती हैं वो सब मतलब इसमें चला जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा किया हुआ है, तो इकट्ठा करके फिर बाद में उनको जला देते हैं। तो अभी मुझे भी मिला है तो मैं भी कर लेती हूँ, तो ऐसे ऐसे रोल रोल करके इसे गिर गया, ऐसे रोल करके इसे नीचे तक करना पड़ता है ऐसे। तो मैं पहले कर लेती हूँ क्योंकि मैंने फोन भी पकड़ा हुआ है। तो मैंने ये पूरा ढिलचे कर लिया अपने शरीर में रोल रोल। तो अभी इसमें हमें जो बाल होता है ना हमारा, थोड़ा सा बाल तोड़ के बाल इसमें ऐसे अंदर डालना पड़ता है, और उसके बाद इसमें नौ छेद करना पड़ता है। तो मैं बाल डालूँगी पहले अपना। तो दोस्तों मैंने इसमें मतलब अपना बाल भी फंसा दिया है, दिख नहीं रहा होगा बाल। तो अभी इसमें हमें नौ छेद करना है ना, तो इसमें हमें नौ छेद करना है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इन तीनों की लाइन में मैंने नौ छेद कर दिया। तो अभी इसको मम्मी के हाथ में दे देती क्योंकि वहाँ पर रिसेस हो गया, तो मैं जा रही हूँ खाना पकड़ने क्योंकि लोगों को भूख लगी है मम्मी के हाथ में। तो चलो वो पहले खाना ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं। हम खाने के लिए आए, देखो हमारे पास खाना नहीं है। अब हम पकड़ेंगे खाना, तो इसमें तीन प्लेट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हाथ को आज मैं कैसे ले जाऊँ। तो देखते हैं, बाकी सब लोग राइट पे लगे हुए हैं। चलो पहले खाना पकड़ लेते हैं। तो अब हम खाने लग गए खाना, और ये रहे ये दोनों भी खा रही है। प्रियांशी टेस्टी है खाना, अच्छा ये दोनों खा रहे हैं खाना। आंग और प्रियांशी वो भी एक थाली में। अभी यहाँ लमसर कंक्लूजन मिल रहे जो मैंने आप सबको दिखाया था, एक दो तीन चार पाँच छः आठ नौ। अभी इसको बाद में उधर। तो दोस्तों ये रहा छम, तो अभी छम कर रहे हैं, इसके बाद हवन होगा। अभी बीच में आप लोग जलामा वगैरह देख रहे, तो वो पोथी पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो बुरी आत्मा है वगैरह जो भी है सब कुछ जला देंगे परे, वहाँ पर आग जलाए हुआ तेल में। बुरी आत्मा की साया, मम्मी बोले बुरी आत्मा का साया, मतलब जहाँ कहीं भी होगा किसी के भी घर में होगा वो मतलब सब जल जाएंगे आज के दिन। और इसको डर लग रहा है इन सब से, मतलब छम जो लम्ब वगैरह छम कर रहे हैं इनसे। तो प्रियांशी वहाँ रो रही है डर के मारे। अभी वहाँ पर एक लामा है, तो वो यहाँ पर अभी आग में जो पूरा प्योर दारू होता है ना उसको डालेंगे, और ये आग इतना बड़ा जलता है बहुत ज़्यादा तेज़, और मतलब काफ़ी दूर रहना पड़ता है। और ऊपर आप जो दो लामा ने लकड़ी पकड़ा हुआ है उसमें मतलब जो भी बुरी आत्माएं वगैरह है उन सबको मतलब उनका वहाँ पर पेंटिंग बनाया होता है बुरी आत्माओं का, तो उसको अभी वहाँ पर जब आग जलेगा तब उस आग में जला देंगे। और ऐसा माना जाता है कि मतलब जितने भी भटकी हुई आत्मा वगैरह है उन सबको अपना अपना रास्ता मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हवन करते हैं। तो अब मैं आप सबको दिखाऊंगी, अभी जो ये वाले लामा है वो मतलब आज हवन जलाएंगे, हवन करेंगे यहाँ पर। बाकी इधर आप लोगों को ये दिख रहे। तो
दोस्तों अभी यहाँ पर ये वाले लामा है, इनको बोलते हैं यब, और जो उनके साथ परे परे ये है इनको बोलते हैं यूं। तो ये पापा है और ये मम्मी है, बाकी जितने भी यहाँ पर है ये सारे इनके बेटे हैं। तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने अभी यहाँ दादी से पूछा था तो इन्होंने मुझे बताया। तो सबसे बड़े हैं हेड, तब भगवान है, तो भगवान का रूप माना जाता है। तो अभी तो इन्होंने मतलब ये पोशाक वगैरह पहने हुए इसलिए मतलब ऐसा दिखा रहे यहाँ पर, मतलब कलयुग है कि मतलब कभी ऐसा हुआ था तो इसलिए अभी यहाँ पर दिखा रहे। उनका जो बाजू वगैरह है तो वो सारे ऊपर कर दिए ताकि आग में जले ना। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर है लामा, तो अभी ये हवन करेंगे यहाँ पर। जो प्योर दारू होता है ना, मतलब थोड़ा सा डालते हैं उसको वहाँ आग पर, और मतलब इतनी मतलब बहुत ज़्यादा आग जलता है वहाँ पर। तो अभी सब लोगों को हटा रहे क्योंकि नुकसान ना हो इसलिए सेफली। ये है यब और यूं, आप सब बताए सबसे मतलब बड़े भगवान है ये, ऐसा माना जाता है। तभी अभी आप लोग देखना बहुत भयानक आग जलेगी यहाँ पर हवन करेंगे। अब ये मंत्र पढ़ रहे हैं। गाइस रेडी हो जाओ देखने के लिए। अब जो भी बुरी आत्मा है, जो भी है, जो भटकी हुई आत्मा है, उन सबको आज के दिन रास्ता मिल जाता है अपना अपना, तो वो चले जाते हैं अपने अपने रास्ते, और जो भी बुरी आत्मा वगैरह है वो आज के दिन खत्म हो जाते हैं। ये है जिन्होंने अभी हवन किया था, ये है चांदी की कटोरी और तो दोस्तों तो जो छम है वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी सब लोग यहाँ पर दर्शन लेने आए हैं, जो जिन्होंने छम किया था मॉन्क्स वगैरह उनका। तो लोग यहाँ पर लेटते हैं, इन जिनकी इच्छा होती है तो ऐसा मतलब वो ऐसे चढ़ के जाते हैं, तो जो भी हमारी बीमारी वगैरह होती है वो उनके साथ चले जाते हैं, वो प्रयाग में जला देते हैं। तो मतलब जो लामा वगैरह है उन्होंने छम करके डांस करके थक गए थे, तो लोग फिर भी ऐसे लेटते और उनको चलने में मुश्किल होती है। वगैरह है जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो ये रहा, ये सब का बना होता है। तो दोस्तों तो अभी सारे लामा वगैरह नीचे जाके जो अभी सत्तू का बड़ा जैसा बना के ले गए थे उनको जला देंगे, और जो हमने मतलब अपने शरीर में वो डिल्जन टाइप जो मैंने आप सबको दिखाया था जिसमें बाल फंसाते और नौ छेद करते वो वगैरह सब ले जाके परे आग में जला देंगे। तो अभी सब लोग लामा वगैरह वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये रहा वो जो मैंने आप सबको बताया था, जो सब लोग ने शरीर में डिल्जन किया है वो ये है। तो अभी इन सबको ले जाके आग में जला देंगे। तो अभी जो डिल्जन बगे थे वो सब कुछ जला के लामा वगैरह यहाँ आ चुके हैं, तो ये लास्ट बार यहाँ पर छम करेंगे, और इसके बाद जो कल्चर डांस वगैरह होगा वो वगैरह होगा। तो बने रहे व्लॉग में।
दोस्तों जो भीतर था वो हो चुका है ख़त्म, तो अभी हम सब चल पड़े घर। तो बाकी ये था मिराज का व्लॉग, होप आप सभी को मिराज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।